सियासत में अक्सर शांत रहकर अपना काम करवाने वाले दादा दयालु यानी कि विधायक रमेश मेंदुला जिद करके विकास करवाने में भी पीछे नहीं है, जहां इस बात को अब किसी और ने नहीं बल्कि खुद कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना है। जहां विजयवर्गीय ने मेंदुला की जिद से जुड़े कई किस्से भी कार्यकर्ताओं को सुना दिए। कैलाश विजयवर्गीय से आज भी जिद करते हैं दादा दयालु। जिद करके अपनी बात मनवाने में माहिर है विधायक मेंदुला। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने सुनाई मेंदुला की जिद से जुड़ी कहानी। कैलाश विजयवर्गीय ने दादा दयालु को बताया बालहटी। एमपी की सियासत में दादा कहे जाने वाले विधायक रमेश मेंदुला जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो वे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये बात अब दादा की सियासत को समझने वाले उनके बचपन के साथी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी बखूबी समझ आने लगी है। तभी तो नंदनगर स्थित बीमा अस्पताल के पास बनने वाले 500 बेड के मॉडल अस्पताल का भूमि पूजन करने पहुंचे विजयवर्गीय ने खुद मेंदुला के हट की पूरी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर पास बैठे मंत्री तुलसी सिलावट भी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जरा आप भी सुनिए मेंदुला के बालहट की यह पूरी कहानी कैलाश विजयवर्गीय की जुबानी। यदि किसी काम के पीछे पड़ना कैसे उसको करवाया जाएगा, अगर किसी से इंदौर के प्रदेश के देश में किसी से सीखना हो तो रमेश जी से, क्योंकि यहाँ का हमने 300 फीट निकल गया, 300 फीट बहुत बड़ी काम था यहाँ पर, कोई भूल नहीं करते। नहीं बोले, यूथ से नहीं करते, बात तो बैठी है, और यहाँ से लेके वहाँ तक सब तुम्हारे हमारे मित्र हैं, जब रजिस्टर हैं, और पुराने मित्र हैं, जैसा साल हमें बजट दिया है, और ये 500 करोड़ का 500 फीट का हॉस्पिटल दिख रहा है, कोई इनकी जीत की कार्य है। अभी पूजन नहीं हो रहा, पर अभी अभी एक भूत लग गया है, अभी वही पर पूजन में बैठे थे, अभी हम मेडिकल कॉलेज के लिए फोन करेगा। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार यह चित करता है बाल हटे तो मेडिकल कॉलेज में आएंगे, आने जाएगा। तो सुना आपने कैसे कैलाश विजयवर्गीय से जिद करके विधायक रमेश मेंदुला अपनी बातें मनवा लेते हैं। वहीं भाई साहब से अपनी तारीफ सुनकर जहां मेंदुला मंद मंद मुस्का रहे थे, तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट भी जोर जोर से ताली बजा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।